नमस्कार दोस्तों, मैं दिखे सोने स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल देखिए शाला पे। इस समय आपके सामने क्लास 7 अकाउंट्स का पूरा सिलेबस है जिसे हम फॉलो कर रहे हैं। जो रेड कलर से आप चैप्टर देख रहे हैं वो हमारे ओवर हो चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो ऊपर भी कार्ड पैश होगा थोड़ी थोड़ी देर में, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको सारे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी चैप्टर वाइज। और अगर आपको इस लेक्चर या किसी दूसरे लेक्चर का PDF या फिर नोट चाहिए अपने स्कूल के आंसर लिखने के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको अपने ब्लॉग का लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर आपको नोट्स या फिर जो आपके PDF है आराम से मिल जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आप मुझे YouTube के अलावा भी दूसरे का भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि Facebook, Telegram, WhatsApp, Instagram, Twitter, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम लोगों का Telegram और WhatsApp का भी एक ग्रुप बना हुआ है, तो उसे भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज का लेक्चर की तरफ। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रॉमिसरी नोट क्या चीज़ होती है। तो देखिए, मैं अगर बात बोलूँ तो 80% प्रॉमिसरी नोट तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसा ही होता है, ठीक है, कोई खास डिफरेंस नहीं होता, ज़्यादातर तो वैसे ही होता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है वो 20% का, वो हम इसमें समझ लेते हैं। तो यार 80% अगर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसा होता है तो आप पहले मेरी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो वीडियोज़ हैं वो देख लीजिएगा, क्लास 11 की प्लेलिस्ट में जाइए, नीचे लिंक दिया है उसमें स्क्रॉल करके नीचे साइड जाएंगे आप तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है, चैप्टर वाइज मिल जाएंगी सारे लेक्चर्स। तो पहले वो समझ लीजिएगा क्योंकि यहाँ बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी आएंगी जो पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो उसे मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या आता है। तो देखो, जो 20% का डिफरेंस आता है वो मेकर के ऊपर डिफरेंस आता है। मेकर मतलब कि बनाता कौन है उसे, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसका एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कौन बनाता है, जिसे पैसा लेना होता है, ठीक है, और प्रॉमिसरी नोट कौन बनाता है, जिसे पैसा देना होता है, ठीक, इतनी सी बात होती है। अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हुआ क्या कि भाई मैं दिगेश सोनी गया जेठालाल की दुकान में और उससे मैंने क्या करा, 10,000 रुपये का एक मोबाइल ले लिया। अब 10,000 रुपये का मोबाइल लिया, मेरे पास पैसे थे नहीं, तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं हम लोग कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट, इनका यूज़ कर लेते हैं। तो जेठालाल ने कहा ठीक है ऐसे कर लेते हैं। तो अब मैंने क्या बोला कि ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर देते हैं पहले, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुआ, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन ड्रॉ करेगा, जेठालाल, मतलब कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाएगा कौन, जेठालाल, सामान बेचने वाला व्यक्ति, ठीक है, दुकानदार। इसके बाद मैंने बोला ठीक है ये तो हो गया, अब इसने ये बना दिया और इसने मेरे सिग्नेचर ले लिए, दिगेश के यहाँ सिग्नेचर ले लिए इसके ऊपर। इसके बाद क्या हुआ, मैंने बोला कि चलो अब एक काम करते हैं प्रॉमिसरी नोट बना लेते हैं, ठीक है, लगातार दो चीज़ नहीं बनती, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब प्रॉमिसरी नोट की बारी आई, तो प्रॉमिसरी नोट मैं बनाऊँगा, क्लियर हो रहा है, प्रॉमिसरी नोट कौन बनाएगा, मैं बनाऊँगा, दिगेश, सामान खरीदने वाला ग्राहक। तो प्रॉमिसरी नोट ग्राहक बनाता है, या फिर बोल सकते हैं कि सामान लेने वाला, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज सामान बेचने वाला, मतलब दुकानदार बनाता है, सिंपल सी ये बात है और कोई खास फर्क नहीं, बस यही फ़र्क होता है, ठीक है, बनाने वाले का फ़र्क होता है। प्रॉमिसरी नोट कौन बनाएगा, दिगेश बनाएगा, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बनाएगा, जेठालाल बनाएगा, ठीक है। तो इसको एक तरीके से और हम समझ सकते हैं कि प्रॉमिसरी नोट पैसा देने वाला बनाता है, जिसे पैसा देना होता है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है, जिसे पैसा लेना होता है, ठीक है, इतनी सी बात है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी आप लोग को और कोई भी डाउट उसके अंदर नहीं रहेगा। बाकी चीज़ सेम ही है दोनों के अंदर, देख लेते हैं डेफिनेशन, देख लेते हैं प्रॉमिसरी नोट की क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले ये राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है भाई। दूसरा क्या है, एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होना चाहिए। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग मतलब क्या होता है कि यार जो पेमेंट के बेसिस था या जो पेमेंट की कंडीशन थी, जो ट्रांजेक्शन था, वो पहले ही हो जाना चाहिए। जैसे मेरे एग्जाम्पल में क्या था कि जो मोबाइल था वो पहले ही बिक चुका था, जो पेमेंट के लिए बेस था मोबाइल बेचना, वो तो पहले ही हो चुका था, मोबाइल तो हम बेच चुके थे, ठीक है, मैं जेठालाल ने मुझे दे दिया था, मैंने ले लिया था, बस पेमेंट करना बाकी था, तो पेमेंट के लिए बनाया गया था। अब उसमें है ना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए प्रॉमिसरी नोट में कि आप ऐसा करोगे तो मैं पैसा दूंगा, क्योंकि ये चीज़ नहीं, ये तो पहले ही हो चुका होगा, ठीक है। अब मैं ये थोड़ी लिखूंगा उसके अंदर कि जेठालाल फिर से मुझे एक मोबाइल देगा तो ही मैं उसे पैसे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। जो ट्रांजेक्शन था, जो कंडीशन थी, वो पहले ही फुलफिल हो चुकी है, अब बस पेमेंट की बात होती है इसके अंदर, ठीक है, बिल्कुल उसी की तरह है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात है कि यार ये करेंसी नोट या बैंक नोट नहीं होना चाहिए, तो एक सिंपल सी बात है बता दे रहा हूँ कि भाई वो करेंसी नोट की तरह काम नहीं करेगा प्रॉमिसरी नोट, सिंपल सी बात है, मतलब कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसे ऐसा करेंसी सर्कुलेट कर दो, बस इतनी सी बात है। बाकी ये जो साइन है मेकर के द्वारा साइन किया जाता है, मेकर मतलब कि प्रॉमिसरी नोट कौन बनाता है, दिगेश बनाएगा, जिसे पैसा देना होता है वो बनाएगा, तो वो इसे साइन करता है। और उसमें क्या लिखा होता है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करेंगे, ये तो भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी था, जैसे मेरे
एग्जाम्पल में 10,000 रुपये हमें पे करने थे, ठीक है, मुझे पे करना था, और किसे पे करेंगे, किसी सर्टेन पर्सन को, जैसे कि जेठालाल, या फिर जिसके पास उस समय वो इंस्ट्रूमेंट हो। मतलब कि हो सकता है कि जेठालाल वो प्रॉमिसरी नोट किसी और को एंडोर्स कर दे, किसी और को दे दे, फिर वो व्यक्ति मेरे पास आए पैसे लेने, वो प्रॉमिसरी नोट लेके, तो मुझे उसको देना पड़ेगा, ये होता है। क्लियर हुआ आप लोग को? ठीक, तो इसे कहते हैं एंडोर्समेंट। और अगर एंडोर्समेंट ना पता हो आप लोग को तो बता दीजिएगा, या फिर ऊपर भी कार्ड फ्लैश होगा थोड़ी देर में, या नीचे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा एंडोर्समेंट की आपको वीडियो मिल जाएगी कि व्हाट इज़ एंडोर्समेंट, ठीक है, छोटी सी वीडियो देख लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से प्रॉमिसरी नोट आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक मोटा मोटा डिफरेंस वो बता देता हूँ कि पार्टीज़ का। हमने देखा था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती है, कौन कौन सी, एक तो ड्रॉअर, एक ड्रॉई और एक पेई, ठीक है। ड्रॉअर कौन होता है, जो बिल बनाता है, ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में जेठालाल बनाएगा। ड्रॉई कौन, जो पैसा देता है, इस केस में दिगेश। और पेई फाइनली जिसे पैसा मिलता है, तो अगर जेठालाल को पैसा मिला तो जेठालाल पेई, और जेठालाल ने किसी को एंडोर्स कर दिया तो वो एक्स व्यक्ति वो पेई बन जाएगा। पेई मतलब जिसे आखिरी में पैसा मिलता है, ठीक। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं, लेकिन प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टीज होती हैं, एक तो खुद मेकर और एक पेई। बस यहाँ पर 2 पार्टीज को रखा जाता है, मेकर और पेई। मेकर मतलब जो बिल बनाए, जो वो बिल को ड्रॉ करे, जैसे कि इस केस में कौन था, दिगेश। प्रॉमिसरी नोट तो दिगेश बनाएगा, और पेई कौन, जेठालाल, ठीक है। सिर्फ 2 पार्टीज होती है इसके अंदर। आगे देखते हैं, अब हम देख लेते हैं एक टेबल के थ्रू जो इनका डिफरेंस है, वो एक टेबल के थ्रू हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो पार्टीज हम समझ चुके हैं कि प्रॉमिसरी नोट में दो दो पार्टीज होती हैं, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं। फिर ड्रॉअर या मेकर की कौन बिल बनाता है, वो भी हमने देख लिया शुरुआत में, कि जो प्रॉमिसरी नोट है वो दिकेश बनाएगा, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो जेठालाल बनाएगा, ठीक। आगे देखते हैं रिसीवर, ठीक है। अब रिसीवर क्या है, इसका मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ कि देखो हुआ क्या। यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जनरली क्या होता है, हमने एग्जाम्पल देखा था कि बनाया किसने था, जेठालाल ने। पैसा देगा कौन, दिगेश देगा। अब वो पैसा किस किस को मिल सकता है, या तो खुद जेठालाल को मिल सकता है, या फिर किसी और एक्स पर्सन को मिल सकता है, या एक्स रख देते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो ड्रॉअर है और जो पेई है वो सेम पर्सन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मतलब जिसने बिल बनाया और जिसे पैसा मिला वो सेम पर्सन हो सकते हैं, लेकिन प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है भाई, ये जो बिल बनाया जाता है, ये जो नोट बनेगा वो दिगेश के द्वारा बनेगा, और दिगेश वो किसको देगा, पेई, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति यानी जेठालाल को देगा। तो यहाँ कभी मेकर और पेई एक व्यक्ति हो ही नहीं सकते, ये बात बताई गई है बस, कि मेकर और पेई कभी भी एक व्यक्ति नहीं हो सकते, भाई वो भी नहीं सकते, क्योंकि दिगेश खुद को पैसा थोड़ी दे सकता है, दिगेश दूसरे को ही पैसा देगा, तो बस इतनी सी बात है। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता था, ड्रॉअर और पेई एक व्यक्ति हो सकते थे, ठीक है। मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। चौथा देखते हैं एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस क्या है कि यार देखो, जो प्रॉमिसरी नोट है वो तो खुद ही दिगेश बना रहा है, और खुद ही वो वादा कर रहा है इस चीज़ का कि मैं पैसे दूंगा, तो मतलब तो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर ही रहा है उस चीज़ को। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, जेठालाल उसे बनाता है। अब जेठालाल उसे बनाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, दिगेश की एक्सेप्टेंस तो लेनी पड़ेगी ना। जेठालाल क्या लिखता है कि तुम दिगेश मुझे पैसा देने का वादा करते हो, मुझे पैसा दोगे, तो इस चीज़ के एक्सेप्टेंस के लिए मुझे सिग्नेचर तो कराना पड़ेगा किसको, दिगेश को, ओ सॉरी, जेठालाल को दिगेश का सिग्नेचर कराना पड़ेगा, उसकी एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी। तो प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता है। बिल्कुल कॉमन सेंस के दम पे समझना है इसको, ठीक है, कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं नेचर कैसा होता है। तो ऑब्वियसली बात है, प्रॉमिसरी नोट यार मैं बना रहा हूँ तो एक प्रॉमिस है, ठीक है, कि मैं वादा कर रहा हूँ उसको। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक ऑर्डर होता है, क्योंकि जेठालाल मुझसे बोलेगा भैया मुझे पैसा दो, वो मुझसे कोई प्रॉमिस थोड़ी करेगा, मुझसे ऐसे कोई कह सकते हैं भीख थोड़ी मांगेगा कि भाई मेरा पैसा प्लीज़ दे देना, जबकि प्रॉमिस है, जबकि मैं क्या करूँगा, मैं बोल दूँगा हाँ मैं आपका प्रॉमिस दे दूँगा, ठीक है, मैं ऑर्डर थोड़ी कर सकता हूँ उसको, ठीक है। लेकिन जेठालाल तो मुझे ऑर्डर कर सकता है, क्योंकि मुझे मुझसे से वो पैसा ले रहा है, ठीक है। तो बेसिकली प्रॉमिसरी नोट एक प्रॉमिस होता है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर होता है। बात देख लेते हैं हम स्टैंपिंग की। तो देखो, प्रॉमिसरी नोट कैसा भी हो, सब में उसमें स्टैंपिंग की ज़रूरत पड़ेगी। सारे के सारे प्रॉमिसरी नोट किसी भी टाइप के हो, उसमें स्टैंपिंग लगने पड़ेगी। स्टैंपिंग मतलब कि जो गवर्नमेंट स्टैंप होते हैं वो, ठीक। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, सिर्फ जो टर्म बिल होते हैं, टर्म बिल मतलब जिसमें पर्टिकुलर पीरियड दिया हो, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, सिर्फ उसमें स्टैंपिंग की ज़रूरत होती है। और जो आपके पेबल ऑन डिमांड होते हैं, जिसमें कोई भी टाइम पीरियड नहीं दिया होता, ठीक है, उसमें स्टैंपिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो इन दोनों के बीच में अगर आपको डिफरेंस देखना हो
तो मैंने आपको एक वीडियो ऑलरेडी देख के रखा हुआ है, टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, वो देख लीजिएगा, कोई क्लास 11 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नीचे देखना आप। तो इसके बाद देखते हैं लाइबिलिटी। अब यहाँ पर क्या, मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ कि देखो, मान के चलें कि वही दिगेश था और यहाँ पर जेठालाल, ठीक है, दिगेश और जेठालाल। अब हुआ क्या कि यार मुझे पैसा देना था जेठालाल को, लेकिन मेरा एक दोस्त आ गया राम। राम ने बोला, अरे मैं तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त हूँ, हम लोग मिल के पैसा देंगे, ठीक है। तो जेठालाल से हम दोनों क्या बोलते हैं कि इस पन्ने पे लिख के देते हैं कि सावन भले ही मैंने लिया, मोबाइल मैंने लिया, लेकिन हम लोग मिल के लिख के दे रहे हैं कि दिगेश और राम दोनों के दोनों पैसा देने का वादा करते हैं, ठीक है। अब हुआ होगा क्या, प्रॉमिसरी नोट में ये समझते हैं हम कि जेठालाल किसी दिन, मान लो मैं रास्ते से जा रहा हूँ अकेले और मैंने बहुत दिन तक पैसा नहीं दिया, तो मुझे अकेला जेठालाल मिल गया, तो जेठालाल मुझसे अकेले से पूरे 10,000 रुपये मांग सकता है कि लाओ भैया मेरे पूरे 10,000 रुपये दो। या फिर अकेला राम मिल गया तो उससे ही बोल सकता है, लाओ भैया कोई मुझे, तुम तो अभी तक दे ही नहीं रहे हो, दूसरा वाला बंदा तुम्हारा मिलता ही नहीं है, लाओ तुम अकेले मुझे पैसे दो। या फिर हम दोनों को पकड़ के बोल सकता है, लाओ भाई जल्दी मेरे पैसे दो, ठीक है। मतलब कि इस बार जो लाइबिलिटी होगी, जो हमारी देनदारी होगी, वो जॉइंटली भी होगी कि हाँ एक साथ भी वो हम लोग को पकड़ सकता है, प्लस इंडिविजुअली सेवरली भी होगी कि हाँ अलग अलग भी हमसे पैसा वसूल कर सकता है, पूरा का पूरा इकट्ठा तो वसूल कर ही सकता है, और अलग अलग भी पकड़ के वसूल कर सकता है कि अगर भाई एक बंदा नहीं मिला दूसरे बंदे से वसूल कर सकता है। मान लो मैं भग गया, ठीक है, 10,000 रुपये खा के मैं भाग गया, मैं लंदन चला गया, तो वो अकेला राम से भी पूरे पूरे पैसे वसूल कर सकता है। लेकिन जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें केस कैसा होता है कि वापस से ये दिगेश और राम दो लोग हुए, उसमें यार कंडीशन इस तरीके से होती है कि जो लाइबिलिटी होती है, यहाँ जेठालाल अपना लेते हैं, जो लाइबिलिटी होती है वो जॉइंटली होती है, मतलब यहाँ जेठालाल अकेले अकेले नहीं पकड़ सकता दोनों को, ऐसा नहीं कर सकता कि अकेला राम मिल गया तो उसे पकड़ लिया, लाओ भैया मेरे पैसे दो, या फिर अकेला दिगेश मिल गया तो उसे पकड़ लिया, नहीं, यहाँ पकड़ेगा तो एक साथ पकड़ेगा दोनों को, ऐसा अकेले अकेले नहीं पकड़ सकता कि अकेले एक बंदे से पूरे पैसे वसूल लिया, ठीक है। तो इतनी सी बात होती है। आखिरी चीज़ है नोटिंग चार्जेस। तो नोटिंग कुछ नहीं होता, देखो नोटिंग के लिए भी एक अलग से वीडियो है, जाकर देख लेना, नीचे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, या ऊपर अभी थोड़ी देर में कार्ड फ्लैश होगा वहाँ भी दिख जाएगा। तो होता क्या है, अगर कोई भी प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर होता है तो उसमें नोटिंग चार्ज रिक्वायर नहीं होते, इसमें नोटिंग चार्ज नहीं लगते, जबकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में नोटिंग चार्ज लगते हैं, बस इतना ही फर्क है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरे डिफरेंस क्लियर हो चुके होंगे, और अभी भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो, बिल्कुल आपका रिप्लाई 24 आवर के अंदर अंदर होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा यार। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, शेयर करना बहुत आसान है, यहाँ एक बटन होती है शेयर की, उस पर क्लिक करिए और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे शेयर जरूर कर दीजिए। और अभी बॉक्स के अंदर आपको हमारी पुरानी वीडियोस दिख रही होंगी, उन वीडियोस को भी जाकर देख लीजिए, वो भी बड़ी कंसेप्चुअल और शानदार वीडियोज़ हैं। थैंक यू।